एक बस्ती में एक छोटा सा घर था जहाँ पर एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे, एक माँ और एक उसका बेटा। घर का खर्चा चलाने के लिए सावित्री घर का काम किया करती थी, जिसकी वजह से उनके घर का खर्च निकलता था। अरे अजय बेटा, तू आ गया, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। माँ आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं काम पर जा रही हूँ। माँ मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बेटा पूछना, क्या पूछना है तुझे? आज रक्षाबंधन है, पर मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, मुझे कौन राखी बांधेगा? बस इतनी सी बात पर तू इतना उदास हो रहा है? एक काम कर, आज तू मेरे साथ चल काम पर, मेम साहब की बेटी है ना सोनिया, उससे राखी बंधवा लेना। सच्ची माँ, मेरी भी बहन होगी अब? हाँ बेटा अब चल, वरना हमें लेट हो जाएगा, चल। वो लोग बस्ती से निकलकर पैदल चलकर शहर तक जाते हैं और उस घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर सावित्री रोज काम पर जाया करती थी। घर पहुँचते ही उस घर में रहने वाली एक छोटी लड़की सावित्री से पूछती है, अरे सावित्री आंटी, ये कौन है आपके साथ? अरे सोनिया बेटा, ये मेरा बेटा अजय है। ठीक है अजय बेटा, तू यहाँ बैठ, मैं सारा काम कर लेती हूँ और फिर सोनिया को बोलकर तुझे राखी भी बंधवा दूंगी, ठीक है? चल। क्या ये मुझे राखी बांधेगी? मुझे तो नहीं लगता, पर माँ ने कहा है, शायद बांध भी दे। अरे ऐसे क्या देख रहा है मुझे, टीवी चल रही है तो चुपचाप टीवी देखना। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? मैं तो बस तुमसे ये राखी बंधवाने आया था। तुमने सोच कैसे लिया मैं तुम्हें राखी बांधूंगी? तुम जैसा गरीब मेरा भाई कभी नहीं हो सकता। अब जाओ यहाँ से, आ जाते हैं मुंह उठाकर। अजय चला जाता है। ये सोनिया गरीब और अमीर कब से करने लगी? सोनिया बेटा। हाँ मम्मा। सोनिया बेटा मैं कब से देख रही हूँ आप अजय से कैसा बर्ताव कर रही हो। पर मम्मा वो मुझसे राखी बांधने को बोल रहा था। हाँ तो क्या गलत बोल रहा था? और आप अगर अजय को राखी बांध दोगे तो इसमें क्या गलत हो जाएगा? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब से अमीर और गरीब करने लगे। मैंने तो कभी सावित्री के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, तो आप में ये विचार कैसे और कहां से आए? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या गरीब इंसान नहीं है? क्या गरीब को कोई त्योहार मनाने का हक नहीं है? और अजय कितनी आस से आपके पास राखी बंधवाने आया था, और आपने क्या किया बेटा? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मम्मा आई एम सॉरी, मैंने अजय के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो मुझसे राखी बंधवाने आया और मैंने उसको बहुत कुछ सुना दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, अजय से मांगो और उसे राखी भी बांधो। हाँ मम्मा। मेम साहब मैंने सारा काम कर दिया है, अब हम चलते हैं। ठीक है। अजय भैया मुझसे राखी बंधवा के नहीं जाओगे? आई एम सॉरी अजय भैया, मैंने आपको बहुत कुछ भला बुरा सुना दिया। कोई बात नहीं, तुम माफी मत मांगो, तुम मुझसे राखी बंधवाओगे ना? हाँ। सोनिया अजय को राखी बांधती है। हैप्पी रक्षाबंधन। सब खुश होते हैं।